ভক্তি রাখো নম তদবিষ্ণু পরমান পদ নম শ্রীবিষ্ণু নম শ্রীভগঞ্জে মাধব নম শ্রীমাধব নম শ্রীমাধব নম শ্রীমাধব নম শঙ্করচক चलो चलो लो लो तुम आओ इधर आओ आओ जय माता दी जय माता दी जय माता दी यार से बोलो तो गाइस कैसा लग रहा है यहां मंदिर का जय माता दुर्गा कैसा लग रहा है यहां पर आके एकदम पॉजिटिव वाइब एकदम बदल चुकी है आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरे कंधे पे दो चार लोग बैठ सकते हो फटाफट बैठ जाओ नहीं 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 मत बैठ जय महेश का कंधे पे आके आई होप कोलकाता में जो दुर्गा फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा वैसी वाली वाइब का कभी गया नहीं हूँ मैं लेकिन वैसा ही लग रहा है आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल इतना ऑस्पिशियस ओकेजन है आई थिंक वी ऑल आर ब्लेस्ड हम इतने ब्यूटीफुल चैनल पे काम कर रहे हैं दंगल चैनल इट्स वेरी गुड और यहाँ पे आज इतने अच्छे अच्छे मौके पे हम सबको माता रानी की ब्लेसिंग लेने का मौका मिल रहा है भाई सर पे कौन है ये वी आर ऑसम प्लेस कंधे पे आके बैठ कल ही मैं बोल रही थी कि मुझे इस टाइम पे इस बार मैं दुर्गा पूजा नहीं गई हूँ आई मिस बिकॉज वी वर शूटिंग एवरी डे एंड कल ही मुझे मैसेज आता है कल की दुर्गा पूजा है अगर आ सकती हो तो आ जाओ नाइट शूट करके डरे गए आके अगेन नाइट शूट करना है हमारा नाइट शूट हाँ आज चलो कैमरा परिवार की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं थैंक यू ऑल सो मच क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हमारी बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचती हैं तो आप लोग हमारी अलग-अलग अंगों में कॉपीराइट आ गया सबके ऊपर पूर्ण है किसी को नहीं आएगा रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू हैव यू इन आवर लाइफ थैंक यू थैंक यू सो मच जय माता दी जय माता दी Thank you.
सबसे पहले तो स्वागत है आपका सभी का। आज माता जी के दर्शन करने आए हैं, यहाँ की वाइब्स देख के कैसा लग रहा है आपको? क्या एक्सपीरियंस है? देखो मंदिर में तो वाइब पॉजिटिव ही होती है और अभी नवरात्रे चल रहे हैं और दुर्गा जी की पूजा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बहुत बहुत मज़ेदार और मज़ा आया मुझे देख के। अगर नवरात्रि की बात करें तो आपके यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, कितना एंजॉय करते हैं? हमारे यहाँ पे भी नवरात्रों के टाइम पे वो कंजगाएँ जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो बिठाए जाते हैं, उनको खाना खिलाया जाता है, उनके हाथ उनके पांव धोए जाते हैं, हाथ धोए जाते हैं, फिर उनको गिफ्ट दिया जाता है, खाना दिया जाता है, तो यही सब हम भी करते हैं बचपन से आज तक। हेलो, अगर नवरात्रि में गरबे की बात करूँ तो क्या होगा? गरबा मैंने कभी खेला ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है मैं किसी के साथ वो डांडिया खेलूँगा तो किसी के सर पर ना मार दूँ, मुझे आता नहीं है खेलना, डरता हूँ खेलने से। बट एंजॉय करते हैं, कहीं जाना होना रहे एंजॉय करते हैं हम गरबे को? ऑफ कोर्स वो डांस फॉर्म एक तरह की डांस फॉर्म है, मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती है, लेकिन मैंने कभी खेला नहीं है, या तो मुझे कभी टाइम नहीं मिला, मैं जा ही नहीं पाता, शूटिंग में इतने बिजी होते हैं और कभी मौका मिला ही नहीं कि मैं जाऊँ, लेकिन यस ज़रूर जाऊँगा। मेरी कोई लड़की पार्टनर ही नहीं है। चलो आप लोगों को साथ चलेंगे, है ना? और वो जो डांडिया माइक को बनाएंगे ना, सर मेरे पास नवरात्रि की कोई मेमोरीज की बात करें तो बचपन में बहुत सारी मेमोरीज रहती है जिस हिसाब से पूजा करते, तो कोई एक मेमोरीज शेयर करना चाहेंगे फैंस के साथ? मेमोरीज तो यही है कि हमको जब हम छोटे थे तो घर पे लहसुन प्याज बंद हो जाता था, तो अभी हमको जीरे वाली दाल मिलती थी, अब वो अच्छी नहीं लगती थी, कहते ये क्या बना दिया आपने, कहते अब 7-8 दिन 9 दिन तो आपको यही खाना पड़ेगा, तो वो ये मेमोरीज है। अच्छा बात करें तो ऐसा होता था कि घर पे ये सारी चीज़ें बंद है बट हम बाहर कभी खा लेते थे चोरी चुपके से, नहीं गलती से खा लेते थे, लेकिन जब पता चला वो शीट गलती से खा ली, अगर चलो खा ही लो खा लेते हैं। अगर नवरात्रि में फास्ट भी काफ़ी लोग रखते हैं, मतलब फर्स्ट डे लास्ट डे पूरा 9 दिन, तो आपने कभी रखा है क्या? हाँ बचपन में रखा है, और एक दिन मतलब मेरे घर वाले बोलते थे कि 2 दिन के लिए रखना चाहिए कम से कम लगातार, तो वो रखने की कोशिश की थी मैंने बचपन में, लेकिन उसके बाद काफ़ी टाइम से मैंने कोई फास्ट रखा नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि फास्ट खाने को छोड़ने से अच्छा है कि आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ो, वो फास्ट ज़्यादा अच्छा है, अगर मेरा मानना ये। अगर गरबा की बात करें तो आप खेलते नहीं हैं सही बोले, लेकिन कोई एक सॉन्ग पर्टिकुलर जो आपको अच्छी लगती है? शौक गाना सॉन्ग बोला गरबा का? हाँ गरबा का भैया, वो है ना वो जो गरबा पे पड़े फाल्गुनी पाठक, फाल्गुनी पाठक के सॉन्ग गरबा पे चलते हैं ना, मुझे वही अट्रैक्ट करते हैं, और आज भी मतलब वो फाल्गुनी जी हर बार गरबा पे उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, और मैं देखता हूँ, मैं कहा हाँ यार बड़ा अच्छा कर रही हैं, और उनके सॉन्ग्स बड़े अट्रैक्ट करते हैं। लास्ट में जाते जाते पूछूंगा नहीं क्या विश थी, बट कोई एक विश ऐसी जो पूरी हुई हो अब तक, आपने बचपन में मांगा बट अब तक? नहीं नहीं नहीं, एक नहीं हज़ारों, भगवान ने हज़ारों विश पूरी की हैं, और मेन चीज़ वो है कि आप दिल से कोई चीज़ मांगते हो ना, उसके लिए किसी भगवान की मूर्ति सामने नहीं भी होगी, बट आप दिल से मांगोगे, आप कहीं पर भी खड़े होगे मांगोगे, मगर दिल से मांगोगे आपको मिल जाएगी, और एक नहीं हज़ारों चीज़ें हैं मेरी लाइफ में ऐसी हुई हैं कि जो मुझे मिली हैं और जो मुझे मिल रही हैं। जाते थे शो में क्या टू सेंटेंस देखने को मिल सकता आगे? हमारे शो में फिलहाल जो सब लोग चाहते थे कि मीरा और पार्थ एक हो जाएं, तो ऐसे लग रहा है कि मीरा और पार्थ एक हो जाएंगे, लेकिन एक होने के बाद क्या भूचाल आएगा उसके लिए देखते रहिए दीवानी मंडे टू सैटरडे दंगल पर 9:30 और यूट्यूब पे कभी भी। सबसे पहले तो स्वागत है आप लोगों का टेलीविजन। थैंक यू। आज दुर्गा पूजा में आए पंडाल में, यहाँ की वाइब देख के क्या कहना चाहेंगे, क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, जो हवन की स्मेल होती है वो ही बड़ी मज़ेदार होती है, और यहाँ पे सब लोग इतने अच्छे कपड़े पहन के आए हैं, तो बड़ा फेस्टिव लग रहा है देखने में, और द फूड इज़ आई एम श्योर डिलिशियस, सो दे आर वेरी हैप्पी। हाँ मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। अगर कोई चाइल्डहुड की बात, कोई चाइल्डहुड मेमोरी है आप लोग को नवरात्रि के लेके? हाँ दुर्गा पूजा मुझे ना कन्याओं में जाने का बहुत शौक था, मुझे बहुत शौक था कि मैं जाऊँ, वो मुझे 5 रुपये दे, मुझे फ्रूटी दे, मुझे बहुत शौक था, मुझसे खाया पिया नहीं जाता था, मैं तो फ्रूटी चॉकलेट और 5 रुपये के लिए जाती हूँ। उसी में मतलब ऐसा लगता है कि आज तो कितना कुछ मिल गया, 2-5 रुपये की चीज़ में ना। यस यस, यहाँ के भी हमारी बच्ची अभी भी जाती है, छोटू है अभी भी जाती है कन्या में, है बहुत खुश होती हूँ गिफ्ट के लिए। हाँ
अगर गरबा की बात करें तो मुंबई में नवरात्रि का स्पेशल गरबा और डांडिया मनाया जाता है, तो आप लोग कितना सेलिब्रेट करते हैं इस बार, क्या कहीं गए पार्टिसिपेट? हम नहीं जा पाए, हम शूटिंग कर रहे थे, इन लोगों ने छोड़ा नहीं हमको। लीड ना होने का यही फायदा होता है कि बैकअप जल्दी होता है, हम गरबा खेलने जा सकते हैं। हम एक सीक्रेट बता रहे हैं, हमने जब हमारा शॉट नहीं था तो मेकअप रूम में धप 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 करके गरबा किया, फिर रियलाइज हुआ कि कोई भी आ सकता है कि कितना शोर कर रहे हैं आप लोग, तो फिर हम लोगों ने मतलब वी हैड लाइक 15-20 मिनट्स ऑफ गरबा इन आर मेकअप रूम ऑल ऑफ अस। दुर्गा पूजा विल बी अ वेरी स्पेशल एपिसोड, तो आप लोग प्लीज़ हमारे शो के उस एपिसोड का इंतजार करिए, आप तो हर एपिसोड का इंतजार करिए ऑनेस्टली, बट उस एपिसोड में तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर दुर्गा पूजा की बात करें तो आप लोग के यहाँ स्पेशली कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, अगर आपके होम टाउन में सेलिब्रेट करते हैं तो कैसे करते हैं, अगर बताना चाहेंगे? सो होम टाउन में तो वही मैंने बताया, कन्या होती है, पूजा होती है, घर में पंडाल देखने जाते हैं, बट मैं कोलकाता जाके ज़रूर देखना चाहूँगी दुर्गा पूजा, और गुजरात जाके नवरात्रि सेलिब्रेट करना चाहूँगी। गुजरातियों में घट स्थापन होता है, और वो घट स्थापन करके नवरात्रि के नवचंडी के पाठ होते हैं, जुहार उगाते हैं, और फिर शाम को गरबा खेलते हैं। लेकिन ये मेरे लिए बहुत फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो दाउची डांस किया हम लोग ने, और जिस तरह की यहाँ की वाइब है, दनुची डांस या समथिंग दाउची डांस, दनुची डांस किया हम लोग ने, सो इट इज़ वेरी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड। मुझे सबसे अच्छा डांस लगा गर्जी का। थैंक यू, व्हाट कैन आई से, आई एम अ नेचुरल बॉर्न डांसर, बट या थैंक यू सो मच। गरबा के तरह बहुत सारे सॉन्ग होते हैं, बट एक कोई पर्टिकुलर सॉन्ग जो आप लोगों को अच्छा लगता है जिसके ऊपर आप खुल के गरबा खेल सकते हैं? नहीं, रमती डाकला ही है वो, वही ना, रमती अरे माड़ी रमती अरे आज रमती अरे ओए। ओके, जाते हैं तो फैंस के लिए क्या मैसेज? बहुत बहुत प्यार, थैंक यू फॉर लविंग अस सो मच। हम बहुत ही स्पेशल सीक्वेंसेस शूट कर रहे हैं, आप प्लीज़ देखिए, हम भी एक्सटीरियर कर रहे हैं बहुत सारा, तो आप देखिए उसको प्लीज़, एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। डू यू वांट टू से समथिंग गाइस? थैंक यू सो मच, बस देखते रहे, फॉलो करते रहे, और हर एक कैरेक्टर को इतना ही प्यार देते रहे। थैंक यू, आपका कहना? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए और मैं देखते रहिए। ऐसी दीवानी को प्यार देते रहिए और देखते रहिए दीवानी ऑन दंगल चैनल एट 9:30 PM। यस, और बिट्टू जितनी फायरी है ना वो एक्चुअली उतनी फायरी है, आपको सच्ची मजा आएगा देखने में। सबसे पहले तो स्वागत है आपका टेलीफाइट। थैंक यू सो मच। आज यहाँ पंडाल का आया दुर्गा पूजा करने के लिए, तो यहाँ की वाइब्स देख के क्या कहना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस है? बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, और सच बताओ तो ये बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए अभी तक। और मैंने 9 days की फास्टिंग रखी है, और मुझे नहीं पता था कि मेरी जो आज फास्टिंग टूटेगी 9 देवियों को प्रसाद खिलाने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद, इतने अच्छे तरीके से होगी। दंगल ने बहुत ही प्यारा इवेंट रखा है, और मैं बहुत ग्रेटफुल और बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ, और मुझे लगता है कि जो कुछ भी होता है उन्हीं की वजह से होता है, और उन्हीं के कारण मैं आज इधर हूँ। अगर बात करें तो आपके 9 दिन की फास्टिंग है, और उसके ऊपर से 12-14 घंटे का शेड्यूल, और जिम फिर इंटरव्यूज, तो मैनेज करना कितना डिफिकल्ट हो रहा है? डिफिकल्ट तो ऑनेस्टली मुझे लगा था ऐसा होगा, बट सच बताऊँ तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि माता रानी की कृपा है जो वो आशीर्वाद दे रही है, अपनी एनर्जी हम सभी तक पहुँचा रही है, और ईजीली सब चीज़ हो रहा है। अगर बात करें नवरात्रि की, तो कोई चाइल्डहुड मेमोरी है? मेमोरीज तो यही है, जो हम गरबा खेलने जाते थे, डांडिया खेलने जाते थे, और मज़ा आता था, वो एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ही अच्छा होता था, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वापस से मैं वैसा एक्सपीरियंस करूँ लाइफ में, बट मौका नहीं मिल पाया अभी तक तो। लेकिन अगर ये अभी जितने भी दिन बचे, अगर उसमें 1-2 दिन में मैं खेलने गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मे भी पक्का। अपने गरबा और डांडिया की बात की, वन वे में क्या कुछ रिवील करना चाहेंगे अपने पार्टनर के बारे में? क्या 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 वन वे में पूछ रहा हूँ, क्या कुछ रिवील करना चाहेंगे आपके पार्टनर के बारे में? डांडिया तो पार्टनर के साथ ही होता है, तो कौन हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टनर के साथ ही आप डांडिया या गरबा खेल सकते हो, उसमें आप किसी के साथ भी खेल सकते हो, और वैसे तो मैं गरबा गया ही नहीं हूँ, तो पार्टनर की क्या ही ज़रूरत है। तो मे बी अगर अगले साल जाता हूँ और किसी के साथ जाता हूँ, तो डेफिनेटली मैं टेलीबाइस को बताना चाहूँगा। अगर बात करें
हम नवरात्रि के बाद नौ कन्याओं को खिलाते हैं। हाँ जी, तो बचपन की बात करें तो कोई ऐसी मेमोरी आती है तो आपकी कजन सिस्टर या सिस्टर कहीं खाने गई हो कि शाम को कलेक्शन जमा करके गिनना फिर उसके बाद इतना जमा हो गया, ऐसा कुछ अगर बताना चाहें? सॉरी मैं समझा ही नहीं आया। नवरात्रि में नौ कन्याओं को खिलाते हैं जी, आपको पता होगा, उसके बाद ही पूजा होता है। हाँ, तो कोई ऐसी कजन सिस्टर की कुछ मेमोरी है आपकी जो नवरात्रि में अलग अलग जगह खाना खा के फिर शाम को घर पे आना गिफ्ट वगैरह? तो नौ देवियाँ जाती है ना, तो मैं तो देवी हूँ, तो मैं तो मैंने बोला आपके घर में कोई कजन सिस्टर या सिस्टर? कजन सिस्टर तो नहीं, बट डेफिनेटली हम लोग जो भी आसपास बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, जैसे आज भी घर पे काफ़ी 25-26 छोटी छोटी बच्चे सुबह को ऑलरेडी आ चुकी है, और हमारे सेट पे भी दो प्यारी सी देवी है, आप लोगों को पता ही होगा, कनक और कोयल, उनको भी मैं प्रसाद दे के आया हूँ, उन दोनों का आशीर्वाद लेके आया हूँ। और हाँ, सो ये तो हमेशा हर साल होता ही है, बट ये साल मेरे नया ये था कि मैं फास्टिंग रखा हूँ और इतने अच्छे प्यारे इवेंट में आने का मौका मिला। अगर बात करें आपने अभी जो डांस किया देखा जाए जो कि देखने लायक तो नहीं था बिल्कुल भी, बट कर लिया और अच्छा एक्सपीरियंस आया। आई थिंक सो दो तीन साल अगर मैं ये सब करूँगा तो सीख जाऊँगा अपने आप, फिर प्रो हो जाऊँगा एकदम। अच्छा, बात करें प्रतीक, तो बचपन की कोई ऐसी मेमोरी जो घर में तो मना रहता नौ दिन की हम ये नहीं खा सकते वो नहीं खा सकते, बट हम बाहर निकल कर फ्रेंड सर्कल में मतलब इधर विदाउट फैमिली को बताए हुए कुछ खा ली हो कभी? क्या क्या नवरात्रि में नौ दिन तो घर में कुछ खाते नहीं ना, बनता है आप समझ सकते हैं कांदा लहसुन, बट बाहर फ्रेंड्स के साथ नहीं, पहले मैंने कभी ये सब चीज़ इतना फॉलो नहीं किया है। पूजा पाठ डेफिनेटली करता था, बट मतलब नवरात्रि के दिन ये नहीं खाना वो नहीं खाना ये मैंने कभी फॉलो नहीं किया, और इस साल मैंने फॉलो ही नहीं, इस साल मैंने रखा तो पूरे 9 डेज़ का फास्टिंग रख लिया, और ये मैं हर साल करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। फैंस को यही कहूँगा, ऐसे ही प्यार करते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना प्यार करते हो, और हम लोग आपके लिए ऐसे ही इंटरव्यूज़ BTS शो में ड्रामा सब कुछ लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। लास्ट में बहुत सारी रूमर्स बीच में उठी थी, फिर रुक गए, फिर उठे कि बिग बॉस का नाम आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, रूमर्स ही है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं बता दें ना, रूमर्स ही है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक शो कर रहा हूँ तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि अभी मैं कुछ और कर पाऊँ। पिछले साल था कुछ ऐसा, बट अब देखते हैं अगले साल क्या होता है। ऑफर मिला तो? हाँ, ऑफर मिला तो जाना था, देखते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका दुर्गा पूजा के मतलब पंडाल में आया था, तो यहाँ की वाइफ देख के क्या लग रहा है, क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? सो मैं बंगाली हूँ तो मेरे लिए नया नहीं है, बट इस बार बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि हमारा नया शो आ रहा है और मैं पंडाल में आके उस चीज़ के बारे में आप सबको बता पा रही हूँ, तो इट्स एक्सट्रीमली स्पेशल फॉर मी। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी नया है, बिकॉज मैं यूजुअली पूजा पाठ में बैठता नहीं हूँ, मैं काफ़ी नास्तिक टाइप का इंसान हूँ, बट फॉर अ चेंज मैं ऐसे एनवायरनमेंट में आया हूँ तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं पिछले साल भी आया था यहाँ पे दर्शन के लिए और हर साल आता हूँ, और इस बार हम अपने नए शो के लिए आ रहे हैं, शो के प्रमोशन के लिए, तो मेरे लिए आप कह सकते हैं कि जो खुशी है वो डबल हो चुकी है, और माता रानी के दरबार में आए हैं तो इससे अच्छी बात तो और भी हो ही नहीं सकती। सो थैंक यू सो मच, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, थैंक यू। अगर बात करें शो की तो करणवीर और सुधा जी की, उनके साथ एक्सपीरियंस क्या था, आप उनका काम करते थे? वो आपको शो में देख के पता चलेगा, अभी हम अगर रिवील कर देंगे तो फिर ऑफ द कैमरा। हाँ जी, ऑफ कैमरा एक्चुअली अभी हमारा शूट शुरू हुआ नहीं है ऑफिशियली, वो 4-5 दिन में हो जाएगा, अभी वो यहाँ का अलग सीक्वेंस कर रहे हैं तो हमारा भी जल्दी हो जाएगा। सो सुधा जी मेरी मॉम बनी है शो पे, हम दोनों की मॉम, हम दोनों भाई बहन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और करणवीर जो है वो मेरे बड़े मामू का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और बरखा बिष्ट भी इस शो में वो हमारी बड़ी मामी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। एंड ऐसे वेटरन्स के साथ काम करके इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा लग रहा है, हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिल रहा है हमें, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी मिनिमल रहा है इन दोनों के साथ, क्योंकि लाइक ही सेड अभी तक शूट्स उतने चालू नहीं हुए हम लोग के ऑफिशियली, बट जितना भी लिमिटेड इंटरेक्शन मैंने सुधा जी और करण सर के साथ किया है, इट वॉज़ वेरी, डिस्पाइट बीइंग सच बिग पीपल वो काफ़ी ग्राउंडेड है, तो इट्स अ फ्रेश चेंज टू सी इन द इंडस्ट्री, तो आगे देखते हैं कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। अगर बात की जाए दुर्गा पूजा की तो आप लोग क्या कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, कभी देखा जाए ज़्यादा होता है, क्या कहना चाहिए, कभी वहाँ पे जाके सेलिब्रेट किया, क्या कहना चाहिए?
सो मैं कोलकाता से ही बिलोंग करती हूँ, मेरा होम टाउन कोलकाता ही है. सो मैंने तो बचपन से यही देखा है, यही सेलिब्रेट किया है. जो 5 दिन रहता है पंचमी से लेकर दशमी तक, हम बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, पैंडल हॉपिंग करते हैं, खूब सारा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं. सो या एंड मेरे लिए ये एक्सपीरियंस जो है वो मतलब साल का इस एक्सपीरियंस के लिए मैं वेट करती हूँ कि कब ये दुर्गा पूजा का टाइम आएगा. तो वैसा है मेरे लिए. मैं बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं करता. दिस इज़ ये मेरा जेन्युइनली पहली बार मैं इधर आ रहा हूँ, तो मेरे लिए हर चीज़ एकदम नई है. नहीं तो यूजुअली हम लोग नवरात्रि के आखिरी दिन पे गरबा वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, बट पूजा सेटिंग में मैं पहली बार आया हूँ, तो आज मेरे फाइनली दर्शन होंगे माता जी के साथ. अगर शो की बात करें तो मैं करणवीर भैया का यंगर ब्रदर प्ले कर रहा हूँ, और बहुत ही एक्साइटेड हूँ उनके साथ काम करने के लिए, क्योंकि हमारी जो सारी स्टार कास्ट है वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है. जैसे सुधा मैम है, बरखा मैम है, बद्रुल भैया हैं, तो मतलब सारी जो टीम है ना वो बहुत ही हार्डवर्किंग है और बहुत ही अच्छा और नया कंसेप्ट लेके आई है जो बहुत ही अलग है. मतलब टेलीविज़न में वो यूजुअली नहीं देखा जाता वैसा कंसेप्ट. तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ और थोड़ा नर्वस भी हूँ. बस यही दुआ है ऊपर वाले से, माता रानी से, कि जो हमारा शो है वो सक्सेसफुल हो, हमारे जो सारे कैरेक्टर्स हैं उन सभी को प्यार मिले, आप सबका आशीर्वाद मिले, बस आप सब ब्लेसिंग्स बनाए रखें. थैंक यू सो मच. अगर बात करें मुंबई में नवरात्रि हो और गरबा ना हो, तो आप लोगों को कितना पसंद है नवरात्रि और गरबा? गरबा सो मेरे लिए थोड़ा नया हो जाता है ये एक्सपीरियंसेस, क्योंकि दुर्गा पूजा मैं बचपन से देखती हुई आ रही हूँ. बट हर कल्चर का एक अलग ही महत्व होता है और मैं सब कुछ एंजॉय करती हूँ. आई बिलीव इन एंजॉयिंग एवरी कल्चर. तो मैंने गरबा भी एक्सपीरियंस किया है, नवरात्रि भी एक्सपीरियंस किया है. हाँ मैं फास्ट नहीं रखती, बट मैं पंडाल में ज़रूर जाती हूँ और गरबा भी मैंने एक्सपीरियंस किया और बहुत अच्छा लगता है वो भी. कभी डांडिया खेलने गए हैं या कपल्स के साथ? कपल्स दोस्तों के साथ गई. हाँ. कोई एक सॉन्ग पर्टिकुलर जो आपको अच्छा लगता हो? गरबे के बहुत सारे सॉन्ग हैं, तो एक सॉन्ग ढोलीड़ा बहुत पसंद है. आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल नहीं सेलिब्रेट करता. मैं पहली बार कर रहा हूँ ये सब, तो मेरे लिए तो बहुत नया है. लेकिन मैंने भी इस गाने पे बहुत नाचा है. मैंने गरबे के अलावा इन जनरल काफ़ी वाइबी गाना है. गरबा थोड़ा बहुत मतलब ज़रूर किया है, बट बहुत ज़्यादा नहीं. लेकिन हाँ, ये फेस्टिवल जो है वो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है और पूरा 9 दिन चलता है, तो मतलब इसकी जो वाइब होती है वो बिल्कुल अलग है. इससे पहले गणपति जी का फेस्टिवल आता है, उसकी वाइब भी बहुत अच्छी होती है. तो मतलब अभी आप देखें तो एनवायरनमेंट जो है ना वो बहुत ही पॉजिटिव है ऑल अराउंड, तो एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है. स्पेशल चीज जो आप फैंस को बताना चाहें बंगाल की दुर्गा पूजा की? सो बंगाल से मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ. सो वहाँ पे क्या होता है, पंडाल हॉपिंग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और हर पंडाल का एक अलग थीम होता है. सो थीम वाले पंडाल देखने के लिए हम पूरी रात, होल नाइट हम लाइन लगाते हैं और हर पंडाल का अलग थीम होता है. कॉम्पिटिशन्स होते हैं पंडाल के बीच में. हाँ, तो हम जाते हैं, हम देखते हैं, दर्शन करते हैं. ये कुछ अलग है जो मुंबई में कम देखने को मिलता है. फैंस को यही कहना चाहेंगे कि हमारी नई शो सफल होगी तेरी आराधना आ रही है 14 अक्टूबर दंगल चैनल पे रात के 10 बजे. सो प्लीज देखना, आप लोग प्लीज देखना. 14th ऑफ दिस मंथ आप प्लीज ट्यून इन कीजिए दंगल चैनल पे. थैंक यू सो मच. होप पाने के लिए और जो शाम के प्रोग्राम्स होते हैं वो देखने के लिए. तो बहुत ही खूबसूरत सी मेमोरीज है मेरी चाइल्डहुड की और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के. सब कुछ नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है मुझे. अगर गरबा की बात करें तो मुंबई में गरबा बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है. तो आप कितना सेलिब्रेट करते हैं, क्या कभी आपने पार्टिसिपेट किया है? हाँ जी बिल्कुल किया है मैंने. तो वडोदरा तक जा करके गरबा में पार्टिसिपेट किया है. वो बात अलग है कि मैं बहुत परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छे से गरबा नहीं आता है, बट मैंने कोशिश की है बिकॉज आई एम अ डांसर. तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे गुज्जूस फ्रेंड हैं, उनके साथ जब कभी किसी की सोसाइटी में या कहीं पंडाल में होता है गरबा तो टाइम मिलता है तो मैं डेफिनेटली जाके पार्टिसिपेट करती हूँ. फिलहाल तो अपने सेट पर रह करके ही गरबा खेलती रहती हूँ.
अगर गरबा की बात करें तो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो मतलब गरबा में खेले जाते हैं, तो आपका कोई स्पेशली कोई एक सॉन्ग अगर आप शेयर करना चाहें तो? नहीं, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिया, क्योंकि गरबा के तो बहुत सारे गाने हैं और मुझे सारे गाने पसंद हैं, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक गरबा के लिए स्पेशल कोई सॉन्ग नहीं है मेरा। अगर बात करें तो देखा जाए तो यूपी में मुंबई में प्रॉपर यूपी वाले जो हैं वो कन्या को खिलाते हैं, देखा जाए तो गुजरात में भी खिलाते हैं, तो आपके यहाँ पे क्या ऐसे मतलब? अरे भाई, मैं खुद कन्या बनी हूँ जब मैं बच्ची थी और मैंने बहुत पैसे बटोरे हैं। मेरी स्पेशली बुकिंग होती थी हर जगह की, और पंजाबी से कंजक कहते हैं, हमारे यहाँ कन्या कहते हैं, तो जगह जगह यू नो पेट खाली रखना पड़ता था, थोड़ी थोड़ी जगह रखनी पड़ती थी, तो ये तो आपने मुझे मतलब कहाँ पहुँचा दिया, छोटू वाली हर्षिता के पास, तो वो भी क्या दिन थे, मज़ेदार थे। जाते जाते अगर एक लाइन में शेयर करना चाहें तो जैसे आपने बताया कि बुकिंग आती थी, तो वो मेमोरीज अगर कुछ शेयर करना, एक जगह गए दूसरे जगह गए मतलब शाम तक घर पे आने कुछ अगर बताना चाहें तो? मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, मेरी फैमिली में मुझसे छोटी 3 बहनें हैं और हम सब साथ में होते थे और हम जाते थे, अगर बाई चांस कोई एक एक जगह एक्स्ट्रा चला जाता था ना, तो बाद में फिर पैसों की काउंटिंग होती थी, इनके यहाँ से इतने मिले, उनके यहाँ से उतने मिले, मेरा टोटल इतना है, तुम्हारा टोटल कितना है, तो ये सारी चाइल्डहुड मेमोरी जो बचपन हमने जिया है, इट वाज ऑसम, बहुत ही प्यारा बचपन जिया है। वो कहते हैं ना जॉइंट फैमिली में रहने के कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान, तो मेरे लिए फायदे रहे हैं कि ये सब को लेकर के पैसों को लेकर झगड़े नहीं हुए हैं। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.